आज का रात्रि क्लास है 22/9/1964 बॉम्बे में सब रिलीजन्स की कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये जो रिलीजन वाले लोग हैं वो ये जानते हैं कि भारत का धर्मशास्त्र गीता है, भले भारतवासी इतना नहीं जानते हैं। क्यों? और जो धर्मों में अलग अलग देशों में जो रिलीजियस लोग हैं वो ये कैसे जानते हैं कि भारत का धार्मिक ग्रंथ गीता है और भारतवासी क्यों नहीं जानते हैं? इसलिए जानते हैं कि और धर्म ग्रंथों में इतना ज्ञान की गहराई नहीं है जितनी ज्ञान की गहराई गीता में है। ये बात सब धर्म वाले जानते हैं, इसलिए वो गीता को महत्व देते हैं। गीता के अनुवाद हर धर्मावलंबियों के पास देखे जाते हैं, परंतु भारतवासियों को इतना महत्व नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारतवासी और धर्मावलंबियों के मुकाबले जास्ती तमो प्रधान हो गए हैं, इसलिए अपने धर्म ग्रंथ की महत्ता को भी भूल गए, अपने मुख्य धर्म शास्त्र को ही भूल गए। क्योंकि भारत के धर्म में अनेकों शास्त्र हैं और जो भी धर्म वाले हैं उनका धर्म शास्त्र एक होता है। ये क्यों हो गया है कि और धर्म वालों का एक मुख्य शास्त्र उनकी जानकारी में भी है और भारतवासी भूल गए? ये तो बच्चों को समझाया गया है कि गीता में अगर श्री कृष्ण का नाम न डालते तो कभी भी परमपिता परमात्मा को सर्वव्यापी न कहते। कृष्ण का नाम डाल दिया तो जब कृष्ण में भगवान, तो जो भी भारत के साकार देवता हैं सभी में भगवान मान लिया गया। इसकी शूटिंग कहां होती है? है इस बात की रिहर्सल कहां होती है? संगम में तो होती है। कैसे? हाँ, पुरुषोत्तम संगम युग में, सही, लेकिन कैसे? यदि ब्रह्मा कुमारी संधि पे बैठती है ऐसे कि शिव ने जब प्रवेश किया तो जिसमें प्रवेश किया पहले
उसकी प्रवेशता का किसी को पता चला? जैसे कोई आत्मा गर्भ में प्रवेश करती है तो गर्भ में प्रवेशता का किसी को पता चलता है? नहीं चलता है? माता को पता चलता है, बाबा ने बोला पेट में चुर्र पुर्र होती है, हलन चलन होती है, गर्भपिंड में चंचलता आती है, तो माता को पता चलता है, तो ब्रह्मा को क्यों नहीं पता चला? है? है? क्यों? और माताएं बच्चा बुद्धि नहीं होती है, और माताएं ज्यादा चैतन्य बुद्धि होती है, है? क्यों नहीं पता चला? ज्ञान नहीं। और माताओं में ज्ञान होता है, उनको चुरुपुर का पता चलता है, कोई की बुद्धि में नहीं आए, क्योंकि जिस समय शिव ने मुकर्रर रथ में प्रवेश किया वो मुकर्रर रथधारी व्यक्तित्व आत्मा दादा लेखराज ब्रह्मा के घर में नौकर थी। कौन थी? है? नौकरी करती थी। नौकरी माने दास दासी का कर्म करती थी। मैनेजर भी क्या होता है? मालिक की मकान में दुकान में नौकरी तो होता है। तो ब्रह्मा बाबा को अन्य माताओं के मुकाबले, दुनिया में जो भी माताएं हैं उन सब के मुकाबले जास्ती अहंकार था या कम था? जास्ती अहंकार साबित होता है। और गुरुओं में तो दुनिया के जो भी गुरु लोग होते हैं, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, छोटे मोटे बड़े गुरु, सबके अंदर अहंकार होता है या नहीं होता है? तो दुनिया में जितने भी गुरु हैं, देहधारी धर्म गुरु, उन देहधारी धर्म गुरुओं में बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन हुआ? सबसे जास्ती अहंकार होने के कारण बाप को साकार रूप में अपने अंदर ही समझ बैठते हैं। और उन्होंने घोषणा कर दी, क्या है? जब मुरली में आया कि बाप टीचर सदगुरु एक ही है, और शास्त्र में तो आता ही है, क्या आता है गुरु के लिए? पहले पहले गुरु, गुरु ब्रह्मा। तो उनकी बुद्धि में फट से बिना प्रूफ प्रमाण के बैठ गया कि सृष्टि रूपी रंगमंच पर परमपिता परमात्मा शिव का साकार रूप मैं ही हूं, दुनिया में और कोई साकार रूप नहीं हो सकता, और मुरली में तो आता ही है ब्रह्मा द्वारा। काय की नहीं, ब्राह्मणों की तो स्थापना ठीक, नई दुनिया की, नई दुनिया की स्थापना नहीं ब्रह्मा द्वारा, तो मुरली में आता भी है ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना। लेकिन नई दुनिया की स्थापना विकारी दाढ़ी मूछ ब्रह्मा के द्वारा हो सकती है क्या? है? अगर होती या हुई होती तो ब्रह्मा की पूजा होनी चाहिए कि नहीं? होती है,
मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, कोई याद करते हैं है? भगवान के रूप में कोई याद करते हैं नहीं। तो ये कारण हुआ गलती की शुरुआत यहां से हुई। क्या क्या गलती है कि गीता का भगवान साकार रूप में मैं हूं और 2500 वर्ष के से पूजा भी किसकी होती आई है गीता के भगवान के रूप में, चित्र भी किसके निकलते रहे हैं कृष्ण के। और मुरली में तो बोला है कि ब्रह्मा की आत्मा ही सत्युग में कृष्ण क्या बनती है, कृष्ण बनती है। तो ये बात वहां से शुरू हो गई। और जब षष्ठी के पहले पत्ते से फाउंडेशन पड़ गया, क्या गीता का भगवान पहला पत्ता, तो दूसरे पत्ते को भी रंजक आएगी, तीसरे को भी आएगी, चौथे को भी आएगी, एक को देख करके दूसरा काम जरूर करेगा। तो गीता में भी श्लोक आया है, यद्यद् आचरति श्रेष्ठ तत्तद् देवे तरोजन, जैसा जैसा बड़ा आचरण करता है, श्रेष्ठ आचरण करता है, वैसा वैसा देवेतर, जो बाद बाद वाले देवताएं हैं वैसा ही आचरण करते हैं। तो सृष्टि का पहला पत्ता ऐसा आचरण करता है तो सभी ने उसे फॉलो करना शुरू कर दिया। क्या सत्युग से शुरू कर दिया है? क्या सत्युग में सर्वव्यापी मानते थे? नहीं, सत्युग की बात नहीं है, वहां तो सब आत्मिक स्थिति में ही होते हैं, वहां अहंकार की बात ही नहीं। देह अहंकार होता है वहां? दो अहंकार तो नहीं होता। देह अहंकार की शुरुआत कहां से होती है? हैं? द्वापर युग से शुरुआत होती है, जब द्वैतवादी युग शुरू होता है। क्या एक भगवान नहीं, दो दो भगवान, चार चार भगवान, ढेर सारे भगवान, हम भी भगवान, तुम भी भगवान। तो ये जो सर्वव्यापी का ज्ञान है वो तुम बच्चे राइट नहीं बतावेंगे, तुम सिद्ध करके बतावेंगे ये सर्वव्यापी का ज्ञान राइट नहीं है, भिन्न भिन्न तरीके से सिद्ध करके बता रहे। और फिर गीता का भगवान श्री कृष्ण है वो भी राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भगवान होगा वो कलाओं में बंधा हुआ होगा या कलातीत होगा? भगवान के लिए तो कहते भी हैं, शास्त्रवादी लोग खुद कहते हैं, क्या कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, कल्प का अंत करने वाला है। और ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल कल्प का अंत करती है, कल्प का विनाश करती है, सृष्टि की विनाशकारी तो नहीं है। उसमें तो व्यास ने भूल की है। क्या है गीता के भगवान कौन है इस बात में भूल किसने की है? पहले पहले द्वापर युग में व्यास ने भूल की है। क्या कि गीता का भगवान कृष्ण है, परंतु जिसे व्यास नाम दिया गया है, जिसने भारत के ढेर शास्त्र लिखे हैं, सबसे ज्यादा शास्त्र लिखने वाला कौन? व्यास।
जो व्यास के भगवान के नाम से प्रसिद्ध है भारत में, वो व्यास का मतलब क्या है? वि माने विशेष, आस माने बैठ गया। क्या विशेष रूप से किस लिए बैठ गया है? ज्ञान के लिए बैठ गया या दुनिया के धंधा धोरी के लिए बैठ गया? किस लिए बैठ गया? ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए बैठ गया। और ज्ञान का प्रचार प्रसार सबसे जास्ती कौन करता है? कोई आत्मा है कि नहीं है? इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, ब्रह्मा आदि, इनसे तो ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं हो पाता। हो पाता है, है? इनके फॉलोअर से हो पाता है, है? नहीं। तो कौन है? आत्माओं में, आत्माओं में जो जन्म मरण के चक्र में आती हैं, उनसे परे कोई आत्मा है? शिव बाबा। जन्म मरण के चक्र में आने वाली आत्माएं, उनको आगे पीछे का ज्ञान रहता है, तो उनसे तो ये आशा की ही नहीं जा सकती क्या कि वो भगवान हो सकते हैं? भगवान कौन हो सकता है? जिसे आगे पीछे का सारा, जो त्रिकालदर्शी हो। मनुष्य आत्मा है तो शरीर के बंधन में बंधी हुई है, देहभान में बंधी हुई है, जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पिछले जन्म का सारा भूल जाती है, अगले जन्मों का भी उन्हें कुछ भी पता नहीं। तो वास्तव में ज्ञान का प्रचार प्रसार इस संसार में सबसे जास्ती करता कौन है? शिव। लेकिन शिव को तो अपना मुख नहीं है। क्या शिव को अपना मुख है? नहीं। तो उसे आधार लेना पड़ता है, और जिसका आधार लेता है वो आधार मूर्त आत्मा परम ब्रह्म कही जाती है। क्या मैं जिनमें भी प्रवेश करता हूं उनका नाम ब्रह्म रखता हूं, और उन ब्रह्मा नामधारियों में जो ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, चार भुजाओं वाले, चैतन्य भुजाएं या जड़ भुजाएं, चैतन्य भुजाओं वाले जो विष्णु बनते हैं, उनमें परम कौन? उन ब्रह्मा नामधारियों में कोई परम ब्रह्म है? होना चाहिए कि नहीं है? जरूर होना चाहिए। तो वो ही परम ब्रह्म है जो आदि में भी ब्रह्म, मध्य में भी ब्रह्म और अंत में भी ब्रह्म, जिसमें परम पिता परमात्मा शिव आकर के पहले पहले ज्ञान का बीज रोपण करते हैं। मध्योनि परम ब्रह्म तस्मिन् गर्भम दधाम्यहम्। मेरी योनि रूपा माता कौन है? परम ब्रह्म तस्मिन् माने उसमें मैं ज्ञान का बीज डालता हूं। तो योनि रूपा माता जो परम ब्रह्म है, उस परम ब्रह्म देहधारी को पहले पहले भास होता है। क्या इस सृष्टि पर साकार रूप में ज्ञान का प्रचार प्रसार करने वाला प्रथम और सबसे जास्ती प्रचार प्रसार करने वाला
कौन? परम ब्रह्म। कब पता चलता है? यज्ञ के आदि में ही पता चला, या ब्रह्मा की 100 साल आयु पूरी होने पर पता चला? क्योंकि ब्रह्मा 100 वर्ष की आयु में खत्म हो जाता है। ब्रह्मा खत्म होता है माने 100 वर्ष की आयु ब्रह्मा की स्वर्गलोक में खत्म होती है कि नरक लोक में खत्म होती है? नरक में खत्म होती है। तो उसके बाद क्या होगा? स्वर्ग वो संपन्नता की स्टेज है आत्मा की, भले शारीरिक रूप से नहीं, वाचा के रूप से नहीं, दृष्टि की परिपूर्णता के रूप से नहीं, लेकिन कौन से रूप में है? अरे संकल्प के रूप में, आत्मिक स्वरूप में। मन बुद्धि को क्या कहा जाता है? आत्मा। संकल्प विकल्प कौन करता है? आत्मा। फैसला कौन करता है? आत्मा। तो परम ब्रह्म नामधारी को भी पहले पहले कब बुद्धि में बैठता है कि मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर साकार रूप में गीता ज्ञान दाता निराकार भगवान का रूप हूं? निमित्त मात्र। निराकार का मतलब है निराकारी, जो संपूर्ण स्टेज धारण कर लेता है पुरुषार्थ करने के बाद। ऐसा मन में संकल्प पक्का हो जाता है। तो ये भूल पहले पहले किसने की है? अरे दादा लेखराज ने की, व्यास ने नहीं की। दादा लेखराज ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए अव्वलंबर हैं, हैं? नहीं, उनसे भी ज्यादा कौन? राम वाली आत्मा साबित होती है। लेकिन राम वाली आत्मा भी वास्तव में क्या कोई भगवान है? है? भगवान साकार को कहा जाता है? कहा जाता है? 76 में राम वाली आत्मा ने साकारी स्टेज को त्याग दिया क्या? नहीं त्यागा ना, तो भगवान कहेगा। निराकारी स्टेज ऐसे धारण कर ले जैसे परमपिता परमात्मा का विरुद्ध है, मैं जब आता हूं तो मैं तुम बच्चों को नंबरवार आप समान बनाता हूं। आप समान बनाना माना निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। तो क्या 76 में पता चल गया है? 76 में पता चल गया इस सृष्टि में साकार रूप में अगर कोई निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी रूप धारण करने वाला है तो मैं हूं। अरे है? पता चला या नहीं? पता तो चला, लेकिन संकल्प मात्र या प्रैक्टिकल शारीरिक रूप से या वाचा के रूप से या दृष्टि की परिपूर्णता के रूप से? संकल्प मात्र। तो ये भूल वास्तव में किसने की पहले पहले है? कि गीता का भगवान कृष्ण है, है? अरे है? किसने की? संगम में फिर व्यास कैसे साबित हो? यहां
गीता में व्यास का नाम तो नहीं पड़ा है। व्यास के लिए तो लिखा गया है कि व्यास ने ये गीता बनाई है। व्यास प्रसादात, व्यास के प्रसाद से ये गीता आई है। व्यास गीता में, गीता का भगवान तो नहीं कहा गया, कौन बताया गया है? गीता का भगवान तो कृष्ण बताया गया। अब ये बात जरूर है कि ब्रह्मा कुमारियों ने समझ लिया कि गीता का भगवान सतयुग का कृष्ण है। सतयुग का कृष्ण है नहीं, कौन है? उन्होंने समझ लिया संगम युग में कृष्ण वाली आत्मा जो सतयुग में पहला पत्ता कृष्ण होती है सृष्टि का, वो संगम में दादा लेखराज ब्रह्मा का रूप है। तो उन्होंने गीता का भगवान ब्रह्मा को साकार रूप में समझ लिया। लेकिन भगवान होगा तो भगवान मनुष्य रूप में होगा क्या? पहली बात, भगवान मनुष्य होता है? हैं? क्यों नहीं हो सकता मनुष्य? हैं? क्योंकि भगवान तो मन के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला है, कंट्रोल कराने वाला भैया। क्या 10 इंद्रियां तो प्रबल हैं ही, लेकिन 10 इंद्रियों से भी प्रबल कौन है? मन। तो मन को भी कंट्रोल कराने वाला भगवान है, तब तो नर से नारायण बनाता है। तो वो भगवान जो नर से नारायण बनाने वाला है उसे ब्रह्मा कुमारियों ने समझ लिया कि सतयुग में कृष्ण वाली आत्मा ही नारायण बनेगी, वो ही गीता का भगवान है जो नारायण बनने से पहले कृष्ण होता है। लेकिन गीता का भगवान संगम युग में रहा होगा या सतयुग में रहा होगा? तो संगम में तो ब्रह्मा के रूप में नाम आता है, उस देहधारी का नाम क्या होता है? ब्रह्मा होता है या कृष्ण होता है? ब्रह्मा होता है। अगर कृष्ण नाम हो तो 16 कला संपूर्ण होना चाहिए। क्या 16 कला संपूर्ण नहीं? तो वास्तव में संगम में गीता का भगवान कृष्ण कैसे हो गया? है? क्योंकि कृष्ण वाली आत्मा ही वास्तव में जो सतयुग में कृष्ण होता है, संगम में तो कोई कृष्ण होता ही नहीं। सतयुग में जो पहला पत्ता सृष्टि का कृष्ण होता है, वो ही कृष्ण वाली आत्मा राम वाली आत्मा में प्रवेश करके पढ़ाई पढ़ती है। पढ़ती है या नहीं? पढ़ाई पढ़ती है, और पढ़ते पढ़ते कभी संपन्न पढ़ाई पूरी होती है संपन्न रूप में या नहीं? है, पढ़ाई पूरी होती है। तो बाप जो कृष्ण का बाप बनने वाला है सतयुग में, वो राम बाप जिसमें शिव बाप प्रवेश करते हैं, वो संगम में नारायण बनता है नर से नारायण डायरेक्ट। और नारायण बनने से पहले क्या होता है? 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 संगम में नारायण तो बाद में बनेगा ना, पहले क्या होता है? क्या शूटिंग करेगा? है? अरे कृष्ण बनने की शूटिंग करता होगा या नहीं होगा? तो पहले कृष्ण, कृष्ण वाली आत्मा संपन्न कहे या नारायण वाली आत्मा संपन्न कहे? नारायण वाली आत्मा संपन्न। तो दो आत्माएं हैं, एक राम वाली आत्मा जो पहले संपन्न रूप धारण करती है नारायण बनती है, और उसके बाद कृष्ण वाली आत्मा माने ब्रह्मा वाली आत्मा दादा लेखराज वाली जो उसमें प्रवेश है
वो फिर उसमें प्रवेश होते हुए रहते हुए ही 10 वर्ष और पुरुषार्थ करती है। क्या टाइम क्या बताया? तुम बच्चों को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में 40 से 50 वर्ष लगते हैं। तुम बच्चों में दो प्रकार के बच्चे, एक वो बच्चे जो संगम में ही 16 कला संपूर्ण बन जाते, और दूसरे वो जो संगम में 16 कला संपूर्ण नहीं बन पाते। कब? जब एक्यूरेट सतयुग शुरू होगा तब 16 कला संपूर्ण बनेंगे, बनना शुरू करेंगे। तो वो गैप कितना दे दिया पुरुषार्थ का? 10 वर्ष का गैप दे दिया। तुम बच्चों को माने शिव बाप के लिए वो जो बच्चे हैं दो, जो शिव बाप की आंखें हैं, क्या नेत्र हैं, डिवाइन इंसाइट हैं, वो दो बच्चे कौन कौन हैं? राम और कृष्ण। वो राम और कृष्ण वाली आत्माओं के द्वारा 16 कला संपूर्ण सृष्टि तैयार करते हैं। सिर्फ सतयुग में ही या संगम से ही शुरुआत हो जाती है? संगम से ही 16 कला संपूर्ण सृष्टि की शुरुआत हो जाती है। तो जब शुरू होती है उस समय शुरू होने से पहले ही जो राम वाली आत्मा है उसको एहसास हो जाता है, ज्ञान के आधार पर पक्का निश्चय हो जाता है कि सृष्टि पर साकार रूप में कृष्ण की आत्मा कौन है। कृष्ण साकार शरीर से माना जाएगा या आत्मा से माना जाएगा? है, कैसे माना जाएगा? साकार शरीर से माना जाएगा। ठीक है, साकार शरीर से माना जाएगा, लेकिन विष्णु कब माना जाएगा? हैं? सिर्फ नारायण को ही विष्णु कहेंगे? लक्ष्मी नारायण जो नर से नारायण बनते हैं, वो आत्माएं संपन्न बन जाएं, तो उनको ही विष्णु कहेंगे? या उनमें दो भुजाएं और सम्मिलित हो तब विष्णु कहेंगे? सूर्यवंशी अकेले कहें या चंद्रवंशी भी ऐड होने चाहिए? पक्के सूर्यवंशी और पक्के चंद्रवंशी, ये दोनों ही मिला करके क्या बनते हैं? कितना कला संपूर्ण? 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो वो 16 कला संपूर्ण सृष्टि के निमित्त मात्र साकार रूप में रचयिता जो भगवान है वो एक ही है, जिसे बाप टीचर है और सदगुरु कहा गया है। वो द्वापर के आदि में क्या बनता है? व्यास। व्यास की पहली पहली रचना, पहला पहला ग्रंथ कौन सा है? हैं? कोई भी धर्म का धर्म ग्रंथ पहला कोई होता है या नहीं होता है? तो देवी देवता सनातन धर्म का पहला ग्रंथ क्या है? गीता का। भगवान जो ग्रंथ आकर के बोलता है वो कौन सा है? श्रीमद् भगवत गीता ज्ञानमृत या सिर्फ गीता? क्योंकि सिर्फ गीता के हैं तो वो तो मंथन ही नहीं होती है। मंथन न हो, सिर्फ ब्रह्मा के मुख से महावाक्य निकल पड़े, जिन्हें वेद वाक्य कहा जाता है, कि ब्रह्मा के मुख से, ब्रह्मा के श्वास से वेद निकले, तो उसे ज्ञान कहा जाएगा। है, आज दुनिया में कितने मनुष्य हैं जो वेद भाषा जानते हैं,
वेद की ऋचाओं को जानते हैं, वेद पढ़ते हैं, वेद सुनते हैं, सुनाते हैं, कोई देखे? कोई नहीं। इसे साबित होता है कि वो कोई ज्ञान नहीं है, ज्ञान धारण करने की चीज है। और सिर्फ खुद धारण करने से ज्ञानी होगा या ज्ञान दूसरों को सुनाएगा तो ज्ञानी कहा जाएगा? दूसरों को धारण भी कराए, धारण करना और धारण कराना, तब ज्ञान कहा जाता है। तो वो गीता ज्ञान अमृत का जो भगवान है वो संगमयुगी कृष्ण है, जिसे शास्त्रों में व्यास नाम दे दिया गया है। व्यास नाम की भी गतियां चली हैं। क्या पहला व्यास ने शरीर छोड़ा तो उसका कोई शिष्य बैठ जाता है, वो व्यास नाम की गद्दी पर बैठता है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, ये गद्दियां बदलती रही। आज तक भी कोई बड़ी बड़ी कथाएं होती हैं तो व्यास गद्दी पर बैठने वाले कोई होते हैं या नहीं? उनको कहते हैं कि व्यास गद्दी पर विराजो। तो तुम ब्रह्मा कुमारी हैं, इन भक्ति मार्ग वालों को जो ये समझाएंगे तो शायद अभी समय नहीं है उनकी बुद्धि में बैठने का। समय क्यों नहीं, कब की बात है? 64 की बात बताई, अभी वो समय नहीं है। तो समय के आधार पर चलना है या समय को भी परिवर्तित करने वाला बनना है? है समय जड़ है या चैतन्य है? है जड़ है। चैतन्य में ज्यादा ताकत होती है या जड़ में ज्यादा ताकत होती है? है चैतन्य में ज्यादा ताकत है। अगर ताकत ज्यादा न होती तो जड़ प्रकृति जो सारे संसार का विनाश का निमित्त बन जाती है वो प्रथम हो जाती, प्रथम पूज्य प्रकृति है या प्रकृतिपति है? है प्रकृतिपति प्रथम पूज्य है। तो वो प्रकृतिपति चैतन्य और प्रकृति जड़। तो अभी समय नहीं है। क्यों कहा समय नहीं है? जो लोग कहते हैं, आज भी तो लोग कहते हैं भाई अभी समय नहीं आया है, तो वो समय को महत्ता देते हैं कि समय आएगा तो परिवर्तन हो जाएगा, तो समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए, इंतजार करना चाहिए समय के आने का या इंतजाम करना चाहिए? तो जो इंतजाम में लगे रहते हैं वो समय को भी परिवर्तित कर देते हैं। तो अभी समय नहीं है शायद समझाने का, ये किसने बोला? ये शायद शब्द शिव लगाएगा या ब्रह्मा लगाएगा? है ब्रह्मा लगा सकता है शायद का शब्द, अनुमान जो है वो ब्रह्मा की आत्मा करेगी या शिव की आत्मा करेगी? ब्रह्मा की आत्मा कर सकती है। है भी सहज समझाने का, लो समय भी नहीं है अभी, फिर समझाने का है भी सहज। ये किसने बोला? ये शिव ने बोला। बच्चों में वो ताकत नहीं है क्या समझाने का? सहज तो है लेकिन गड़बड़ी क्या है? जो बच्चे हैं 64 में अभी ब्राह्मण बच्चे, उनमें ताकत नहीं है कोई को ऐसा सिद्ध करके बताने का।
कैसा सिद्ध करके बताने का है, कैसा सिद्ध करके बताने का। अरे भक्ति मार्ग में जो बातें होती हैं, उनका फाउंडेशन कहां पड़ता है, संगम में। इतनी बात तो सबको समझ में आ जाएगी ना। तो जब संगम में फाउंडेशन पड़ता है तो कोई बताए कि संगम में गीता का भगवान कौन। ब्रह्मा कुमारियां तो झूठ बताएंगी या सच बताएंगी, क्या झूठ बताएंगी है कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, गीता का भगवान शिव है। अरे गीता का भगवान जब ज्ञान बताएगा, गीता का ज्ञान बोलेगा, तो मुख से बोलेगा, साकार में आकर बोलेगा या निराकार से, परम नाम से आवाज आएगी मुसलमानों की तरह। मुसलमान लोग कहते हैं अल्लाह मियां ने ये फरमाया है, तो क्या आसमान से फरमाया क्या, कोई मुख में प्रवेश करेगा तभी तो फरमाएगा ना। तो उनके ऊपर छाप पड़ गई मुसलमानों की, इनके ऊपर ब्रह्मा बाबा के ऊपर सारा कारोबार यज्ञ का किसके ऊपर सौंप दिया है, ना कुमारका दादी के हाथ में तो बाद में सौंप दिया। कुमारका दादी वो तो ब्रह्मा कुमारी है या ब्रह्मा कुमार, और कुमारियों को भी अंडर द कंट्रोल कौन कर लेता है, हा? अरे कोई ब्रह्मा कुमार रहा है। ब्रह्मा बाबा के जीवन में सारा कारोबार संभालने वाला भाई था या कोई बहन थी, भाई था, सारा कारोबार उसके हाथ में दे दिया। तो वो प्रभावित हो गए, ये कृष्ण का नाम न डालने से फिर ये भारतवासी अपने पतित पावन परम पिता परमात्मा की ग्लानि नहीं करते, क्योंकि सर्वव्यापी कहने से ही उनकी ग्लानि कर दी है। ऐसे समझाना, क्या कहा, कृष्ण का नाम डालने से कृष्ण गीता का भगवान है, वो कृष्ण सर्वव्यापी है, ग्लानी साबित होती है, है? निराकार सर्वव्यापी साबित होता है या साकार सर्वव्यापी साबित होता है, ये भारतवासी अपने पतित पावन परमपिता परमात्मा की ग्लानि नहीं करते, क्योंकि सर्वव्यापी कहने से ही उनकी ग्लानि कर दी है। किस आधार पर, कौन है सर्वव्यापी, ऐसे समझाना है। अभी बच्चों की बुद्धि में है तो सही कि हमको समझाना है जरूर। जैसे ये बड़ी सभाएं होती हैं, उनमें ये अच्छी तरह से उनको समझाना पड़े कि व्यास ने भूल की है, किस बात की, कि गीता का भगवान साकार कृष्ण है, क्या भूल गई। एक तरफ शास्त्रों में लिख दिया है सतयुग में 16 कला संपूर्ण, त्रेता में 14 कला संपूर्ण, द्वापर में 8 कला संपूर्ण होते हैं, और दूसरी तरफ क्या लिख दिया, द्वापर में जन्म लेने वाला कृष्ण कितने कला संपूर्ण, 16 कला संपूर्ण, जबकि बताते हैं कृष्ण मनुष्य वेश में आया। तो जब कृष्ण मनुष्य वेश में आया तो 16 कला संपूर्ण क्यों, द्वापर में टोटल 16 कलाएं होती ही नहीं है, 8 कलाएं ही तो रह जाती हैं, तो कृष्ण भी कितने कला संपूर्ण होना चाहिए था, है 8 कला संपूर्ण होना, उन्होंने क्या लिख दिया 16 कला संपूर्ण। तो व्यास ने भूल कर दी है, क्या भूल कर दी है, कि कृष्ण को कहां युग में, कौन से युग में डाल दिया, द्वापर में डाल, भगवान तो माना लेकिन द्वापर युग में डाल दिया, और क्या भूल कर दी, दूसरी भूल कर दी है
कि उन्होंने ये नहीं सोचा कि भगवान आएगा तो सृष्टि में कुछ परिवर्तन करके जाएगा, यह सृष्टि और ही नीचे गिरती चली जाएगी है? परिवर्तन करके जाएगा ना, लेकिन भगवान को दिखा दिया द्वापर के अंत में और सृष्टि में आ गया कलयुग महापापी। ये क्या भगवान के आने की निशानी हुई? इससे भगवान साबित होता है? अरे वो तो धर्म पिताएं भी आए बड़े बड़े इस सृष्टि पर, जो बड़ी बड़ी जनरेशन के मालिक बन के बैठ गए, उनके आने के बाद भी दुनिया है नीचे गिरती गई, और भगवान भी आए उसके बाद भी दुनिया नीचे गिरती जाए तो भगवान कैसे साबित होगा? तो व्यास के मुख से, व्यास की वाणी में ये बात बड़ी भूल साबित हो गई है कि द्वापर में कृष्ण को भगवान बना के बैठा दिया, और भूल करने के कारण ही परमात्मा की ग्लानि हो गई। ये भूल न की होती कि गीता का भगवान कृष्ण है तो दुनिया में सभी धर्म के लोग निराकार भगवान को अपना भगवान स्वीकार कर लेते, और निराकारी स्टेज में रहने वाला इस सृष्टि पर एक ही साकार मनुष्य है जो आदि से अंत तक निराकारी स्टेज वाला, आत्मिक स्टेज वाला। यज्ञ के आदि में भी, संगम में वो आत्मा जिसमें शिव प्रवेश करते हैं, पहली बार मुकर्रर रूप से वो आत्मा संगम में नर से क्या बनती है? नारायण बनती है, विष्णु रूप बनती है। और सृष्टि के आदि में जो विष्णु रूप है तो सृष्टि के अंत में भी क्या होगी? आदि सो अंत, अंत में भी आत्मिक स्टेज में ही रहती है। आत्मिक स्टेज में रहने के आधार पर ही परमपिता परमात्मा उस स्वरूप को अपना मुकर्रर रूप के रूप में, रथ के रूप में चुन लेते हैं। नहीं तो सबको ये प्रश्न पैदा होगा, मुझे क्यों नहीं चुना? होगा या नहीं? तो उसका क्या जवाब देंगे? भगवान से ही पूछा जाए, आपको या औरों को क्यों नहीं चुना मुकर्रर रथ के रूप में? क्यों नहीं चुना है? क्योंकि और जो मनुष्य आत्माएं हैं वो सब तेजी से गिरती है, आत्मिक स्थिति से देहवान की ओर, और कुछ सूर्यवंशी आत्माएं ऐसी हैं जो आत्मिक स्थिति संगम युग में एक बार अच्छी स्टेज में धारण कर लेती है तो कलयुग के अंत तक वो स्थिति नंबर वार उनकी रहती है। इसलिए देवी देवता सनातन धर्म सर्वथा नष्ट नहीं होता। उनमें भी कोई अब्बल नंबर आत्मा होती होगी या नहीं होती होगी? सूर्यवंशियों में जो सूर्यवंशी है, सूर्य भगवान जब आता है तो भगवान के समान स्टेज को धारण करने वाली कोई आत्मा बनती है या नहीं बनती है? जो बनती है उसी का नाम भगवान का जो सर्वोपरि नाम है शिव, उसके साथ जोड़ दिया जाता है। दुनिया में कोई भी मनुष्य मात्र का नाम, कोई भी देवता का नाम, कोई भी राक्षस का नाम शिव के साथ नहीं जोड़ा जाता।
भूल करने के कारण ही परमात्मा की ग्लानी हो गई। वास्तव में उनको सर्वव्यापी कहने से सब सर्वव्यापी साबित हो गए। श्री कृष्ण को भी सर्वव्यापी तो नहीं कह सकेंगे। वास्तव में कृष्ण के जो भगत हैं वो कृष्ण को भी सर्वव्यापी कह देते हैं। जिधर देखो उधर कृष्ण ही कृष्ण है, जहां देखता हूं वहां तू ही तू है। कहने से निराकार ईश्वर को डाल देते हैं और फिर जो भगत है वो जिधर देखता हूं उधर कृष्ण को मानेंगे। फिर राधे वाले होंगे तो कहेंगे जिधर देखता हूं उधर राधे ही राधे। पीछे हनुमान वाले वो भी ऐसे ही कहते होंगे। फिर गणेश वाले भी ऐसे ही कहते होंगे। अरे ये सब सर्वव्यापी का कारण क्या हो गया? कृष्ण भी सर्वव्यापी, राधे भी सर्वव्यापी, हनुमान भी सर्वव्यापी, गणेश भी सर्वव्यापी, सारे देवताएं सर्वव्यापी, इसका कारण कौन बना है? मूल कारण कोई तो होगा कि गीता में जो नाम पढ़ना था परमपिता परमात्मा का, भगवान का, उनमें कृष्ण को डाल दिया। अगर अभी शिव को डालें तो कभी कोई नहीं कहेंगे कि सर्वव्यापी है। तू ही है, ये बड़े इतने बड़ी भूल है ड्रामा अनुसार, ये तो जरूर कहेंगे। तो ऐसे भी नहीं कहेंगे कि कोई कहेंगे कि ड्रामा में भूल है, नहीं, ड्रामा में नूंद है? ड्रामा में भूल है या ड्रामा में नूंद है? क्या है? नूंद है, भूल नहीं है। भूल की होगी? हाँ, जब भूल की होगी तो जरूर कभी की होगी, तो टाइम बताओ कब की। वो पहली बार भूल कब की बताओ, कोई बताएगा कब की है? कोई कहे कि सृष्टि के आदि में जब संगम युग था तब की। अच्छा, संगम में कल्प पूर्व 5000 वर्ष पहले भूल की, तो जो भूल करने वाला व्यक्तित्व है जिसने पहली बार भूल की, क्या वो नहीं जानता था कि उससे भी पहले हम 63 जन्म हमारी पूजा होती आई है कृष्ण के रूप में है? पर तो कल्प कल्प की बात हो गई। मैंने कब भूल की, ये तो रंग बात है, क्योंकि हर आत्मा में अपने 84 जन्म का पार्ट कल्प कल्प का अनुधा हुआ है। जैसा आत्मा रूपी रिकॉर्ड में पार्ट नुधा हुआ है, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे शिव ही क्यों न हो, इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट ही क्यों न हो, इन सबकी आत्मा में 500 करोड़ 700 करोड़ की मनुष्य आत्माओं में जैसा जैसा पार्ट भरा हुआ है, वही हर कल्प के आद से लेकर के कल्प के अंत तक बजाते हैं, बजाते रहेंगे और अब तक बजाते आए हैं। इसमें ये प्रश्न नहीं हो सकता ये भूल कब की। ड्रामा अनुसार, ड्रामा में नूद है। सो परमपिता परमात्मा आकर के समझाते हैं ये नूद कि तुम्हारी ये भूल है। जो मुझे सर्वव्यापी कहने से तुम मेरी ग्लानी करते हो, अगर इनका नाम डाल दिया तो फिर पतित पावन निराकार क्यों कहा जाए? बोलो,
इनका नाम डाल दिया माने किनका है? हैं? अगर इनका नाम डाल दिया जाए तो फिर पतित पावन निराकार क्यों कहा जाए? रामकृष्ण का नाम डाल दिया जाए पतित पावन, राम को तो पतित पावन कहते ही है, और ये सर्वव्यापी कह दिए जाए तो फिर इस प्रश्न का जवाब क्या है? वो पतित पावन निराकार है या साकार है? निराकार। निराकार कैसे पतितों को पावन बनाएगा? अरे संग के रंग से पतित पावन बने, संग के रंग से पावन देवताएं पतित बने। द्वापर कलयुग में संग के रंग से पतित बने, सतयुग त्रेता में पावन बने, बनाने वाला शिव भगवान जरूर सतयुग त्रेता से पहले हुआ होगा, संगम में आया। पतित पावन कहते भी निराकार को हैं। क्या कहा हैं? जो भक्त लोग पतित पावन कहते हैं वो निराकार को कहते हैं या साकार को कहते हैं? क्यों पतित पावन सीताराम नहीं कहते? सीताराम निराकार है या साकार है? हैं? है तो साकार, लेकिन बाबा ने बताया कि पतित पावन किसको कहते हैं? निराकार को कहते हैं, परंतु वो बेचारे जानते नहीं हैं। और कोई को भी पतित पावन नहीं कहा जा सकता, क्योंकि जब तक राम वाली आत्मा स्वयं निराकारी स्टेज न धारण कर ले तब तक दूसरों को निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने का संग का रंग कैसे लगा सकती है? लगा सकती है कि नहीं है? पूरा संग लगा सकती है या अधूरा लगाएगी? पूरा लगाएगी। हाँ? निराकारी खुद बनी नहीं और संघ का रंग पूरा लगा देगी? अरे पूरा लगाएगी। हाँ, ये कह सकते हैं कि और आत्माओं के मुकाबले वो संघ का रंग ज्यादा निराकारी स्टेज वाला लगाएगी। और आत्माओं में इतना ज्ञान भी नहीं है और आत्माओं में इतनी योग की पावर भी नहीं है। तो देखो, पतित पावन निराकार कोई कहेंगे और कोई को नहीं कह सकते, कृष्ण को भी नहीं कह सकते। क्या पतितों को पावन बनाने वाला, क्योंकि ज्ञान का सागर अथवा लिबरेटर व गाइड, गाइड तो रूहानी गाइड है ना। जो देह अभिमान में होगा वो अच्छी गाइड करेगा या गड्ढे में ले जाएगा? है खुद अभिमानी तो खुद ही गड्ढे में जाने वाला होता है। रूहानी गाइड कृष्ण भी नहीं हो सकते हैं। रूहानी गाइड तो फिर कहा ही जाता है सुप्रीम सोल को। क्या कहा है? कृष्ण का कोई गाइड था कि नहीं? शास्त्रों में किसे दिखाया है? 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 कौन? संजीव? संदीपन। संदीपन गुरु दिखाया गया ना, तो गाइड हुआ ना, तो संदीपन कौन हुआ? है रमणीय आत्मा, है रमणीय आत्मा संदीपन हुई। सं माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाली, दीप्त होने वाले माने सबसे जास्ती रोशनी देने वाली। तो दुनिया में सबसे जास्ती रोशनी देने वाला कौन है? अरे प्रैक्टिकल में कौन देखा जाता है? नारायण तो देखने में ही नहीं आ रहा है अभी, प्रतिपे तो देखने में आ रहा है तुम्हें। क्या देखने में आ रहा है? कल हत्यारा देखने में आता है, आज निश्चय बुद्धि, कल अनिश्चय बुद्धि बन जाते।
आज भगवान देखने में आता है, कल शैतान देखने में आता है, ऐसे तो नहीं है। अरे है कि नहीं है? अरे बड़ी सभा में बोलो, है तो संदीपन कौन हुआ? जो सम जो परम ब्रह्म है, उसके जिसको तुम परम ब्रह्म समझते कहते, उसके ऊपर आज निश्चय कल निश्चय। और शिव बाबा वो तो एक ही बात हो गई। तो आज की दुनिया में सबसे जास्ती दीप्त होने वाला, सबसे जास्ती प्रज्वलित होने वाला, सबसे जास्ती रोशनी देने वाला प्रैक्टिकल में कौन दिखाई देता है? सूर्य। सूर्य दिखाई देता है कि नहीं? तो जैसे सूरज चांद सितारे ये प्रैक्टिकल में इस दुनिया में है, लेकिन वो जड़ हैं, ऐसे ही चैतन्य आत्मा भी उनकी मानिंद है जो धरती के सितारे हैं। अभी संपन्न स्टेज का पुरुषार्थ नहीं है, इसलिए गुप्त है। जब संपन्न स्टेज हो जाती है तो वो 9 लाख सितारे सारे ही इस षष्ठ रूपी रंगमंच पर चमकेंगे, प्रत्यक्ष हो जाएंगे। तो प्रैक्टिकल रूप होगा उनके बीच में, उन सितारों के बीच में सबसे जास्ती दीप्तिमान कौन होगा? है सूर्य, ज्ञान सूर्य, वो ही संदीपन है। जोर से बोलो, संदीपन ऋषि वही ना, प्रजापिता। हाँ जी, संदीपन माने संपूर्ण दीप्त होने वाला। तो ये बच्चों को सुप्रीम सोल को उनका ही ऐसे देख रखते हैं, कैसे? रूहानी गाइड। उनका नाम ही ऐसे रखते हैं। तो ये बच्चों को जो जो भी समझाने लायक हैं, जो खुद अच्छी तरह से समझते हैं, उनको ये बात अगर सिद्ध कर देवे तो तुम्हारा ये जो चीटी मार्ग का पुरुषार्थ है, चीटी मार्ग की सेवा है, चीटी मार्ग तुम्हारा चलता है, वो व्यंग मार्ग हो जाएगा। कब है? जब ये बात सिद्ध कर देवे, जो खास खास अच्छे अच्छे बच्चे हैं, परंतु ये शायद कुछ देरी है, क्योंकि आगे तो कोई ये समझा ही नहीं सकते हैं। और अभी ये भी तो जरूर है कि ब्रह्मा प्रजापिता भी जरूर है। बाईस 964 की वाणी का दूसरा पेज तीसरी लाइन, प्रजा का पिता और वो है आत्माओं का पिता। क्या कहा? सारी मनुष्य सृष्टि का पिता और वो है कौन? शिव है, आत्माओं का पिता। उनको प्रजापिता नहीं कहेंगे। किनको? है? आत्माओं के पिता को प्रजापिता नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? परम पिता कहेंगे, प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि प्रजापिता नाम है ब्रह्मा का। तो ब्रह्मा कुमारियां क्या समझ लेती हैं? है? कि जो दादा लेखराज ब्रह्मा है वो ही प्रजापिता है। लेकिन 68 में क्या साबित हो गया? है? प्रैक्टिकल में 500 करोड़ का प्रजापिता साबित हुआ नहीं? तो दादा लेखराज ब्रह्मा वाली आत्मा 500-700 करोड़ मनुष्य सृष्टि का पिता साबित नहीं हुआ? फिर शिव को भी प्रजापिता नहीं कहेंगे? नहीं, वो तो आत्माओं का पिता है। तो गाती है, सभी आत्माएं अपने बाप को याद करती हैं। अगर तुम ये सिद्ध कर लो कि वो प्रजापिता आत्माओं का पिता है,
परमपिता परमात्मा उनको कहा जाता है, उनसे ही वर्षा मिलना है, क्या सिद्ध कर दो है? नहीं सुना ध्यान से। अगर तुम ये सिद्ध कर लो कि वो प्रजापिता आत्माओं का पिता है, नहीं है, मनुष्य आत्मा का पिता नहीं है, है? आत्माओं का पिता है। कौन सी आत्माओं का पिता? मनुष्य आत्माओं का पिता, जो जन्म मरण के चक्र में आने वाली है उन आत्माओं का पिता है परम पिता परमात्मा, उनको कहा जाता है। किनको? प्रजापिता ब्रह्मा, जिसमें निराकार शिव आत्माओं का पिता प्रवेश करता है, तब वो ही क्या कहा जाता है? परम पिता परमात्मा कहा जाता है। कहा जाता है साकार में या परम नाम में? साकार में। कहा उनसे ही वर्षा मिलना है। वर्षा साकार से मिलेगा या निराकार से? बिंदु से। और वर्षा साकार है या निराकार है? हैं? वर्षा है स्वर्ग का, स्वर्ग की बादशाही का, तो वो तो साकार है, स्वर्ग की सृष्टि ही साकार है। तो वर्षा मिलना है न कि प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा या परमपिता परमात्मा द्वारा? परमपिता परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा, क्योंकि वही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तो वही जैसे कि आत्माओं का ग्रैंडफादर हो गया। कौन? प्रजापिता आत्माओं का ग्रैंडफादर हो गया। क्यों? झाड़ में कैसे सिद्ध करेंगे वो ग्रैंडफादर है? क्योंकि सारे झाड़ का जो पहला पत्ता है उसको भी जन्म देने वाला कौन है? प्रजापिता। तो ब्रह्मा का बाप होने से फिर ब्रह्मा कुमारों का तो डाडा हो गया, बाप दादे। तो सिद्ध हो करके, सिद्ध करके दिखाओ कि हाँ डाडे से वर्षा मिलता है। आज भी ये परंपरा चली आ रही है, बाप अपना बच्चों को वर्षा दे या न दे, लेकिन दादे का वर्षा हर बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई नहीं रोक सकता। ओम शांति।